नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम बात करने वाले हैं मिडिल ईस्ट की। महायुद्ध लगातार जो जारी है, गोलीबारी बमबारी लगातार हो रही है, लाखों जाने अब तक जा चुकी हैं और जिस तरह से इसराइल चौतरफा घिरा हुआ है पर उसके अंदर जरा सा भी भय नहीं है। आप देखिए लगातार हमले के बाद हमले लगातार कर रहा है। आप ये भी देखिए कि किस तरह से लगातार डायरेक्ट टारगेट कर रहा है और टारगेट ही नहीं, उसकी नजर ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी है। खैर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। आज क्या अपडेट इस मामले में आया है, जो ये युद्ध लगातार जारी है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जो फ्लाइट चली है और यूटर्न हुई है ईरान की ओर से, उस बारे में जानकारी लेंगे। प्रशांत देखिए रितु, दरअसल IDF इंडियन माफ़ कीजिएगा इसराइल डिफेंस फोर्स जो पूरी निगरानी रखती है, दरअसल एक फ़्लाइट उड़ी थी बहुत सारे हथियार लेकर ईरान से और वो जा रही थी सीधी लेबनान, जो बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि इराक का जो एयर स्पेस है और वहाँ से उसे चेतावनी दी गई लौटने की और वहाँ से वो लौट गई। अगर नहीं लौटती तो हो सकता था कि शायद जो IDF है इसराइल डिफेंस फोर्स वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती। और ये इसलिए भी बात इसलिए भी बिल्कुल क्लियर है कि ईरान भी अब खुलकर मैदान में है। ईरान खुलकर सीधे हमले कर रहा है इसराइल पर, ताबड़तोड़ 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, उसमें कई लोगों की, कई इसराइलियों की जान भी गई थी। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा होगा नहीं, बल्कि ऐसा होगा क्योंकि अब ईरान सीधे मैदान में कूद चुका है, जो वाकई ईरान के लिए थोड़ा सा घातक या कहें कि भविष्य के लिए मुश्किल भरा जरूर हो सकता है। क्योंकि अमूमन अभी तक प्रॉक्सी वॉर के जरिए ईरान इसराइल को टारगेट कर रहा था, यानी कि एक तरफ हिजबुल्ला के माध्यम से टारगेट कर रहा था, दूसरी तरफ हमास के माध्यम से टारगेट किया जा रहा था। लेकिन जब नसरल्ला मारा गया, यानी इसराइल ने जब नसरल्ला सीधे जाकर, अगर हम कहें लेबनान में जाकर सीधे जब टारगेट किया नसरल्ला को, नसरल्ला मारा गया है, उसके बाद ईरान दरअसल इस स्थिति में आ गया कि अब करें क्या। एक चिंता भी थी कि भाई डायरेक्ट हमला हो गया हिजबुल्ला पर, हिजबुल्ला दरअसल कमज़ोर हो गया, अब मजबूरी थी ईरान का डायरेक्ट हमला करने की और उसी का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार अब सीधे मैदान में ईरान भी कूद गया है। लेकिन अब इसके बाद चिंता बहुत सारी बढ़ जाती है। ईरान के लिए भी चिंता की बात है और इसराइल के लिए भी चिंता की बात है। ईरान के लिए चिंता की बात यह कि भाई डायरेक्ट अब मैदान में कूद गए, अब इसराइल के पास मौका है कि वो हिजबुल्ला या हमास पर या लेबनान या जो आपके सहयोगी हैं उनके ऊपर टारगेट ना करके अब सीधे आप पर हमला करे, आप पर यानी ईरान पर हमला करे। ईरान पर अब हमला करेगा तो समझिए कि क्या स्थिति होगी। ईरान पर जब हमला किया जाएगा तो टारगेट होंगे ईरान के परमाणु संयंत्र, जो परमाणु केंद्र हैं इसके, वहाँ पर टारगेट इसराइल कर सकता है। हालांकि इसमें अमेरिका भी बीच में आया है, अमेरिका ने कहा है कि आप जो परमाणु केंद्र हैं उन्हें टारगेट ना बनाएं, चूँकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत जगह चेर्नोबिल प्लांट में जब ये अगर हम बात करें तो बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारा एक एरिया ऐसा हो गया था जहां जीव ख़त्म हो गए थे, तो वो स्थिति ना बने ईरान में। इसलिए कोशिश ये है अमेरिका की ऐसी स्थिति से बचा जाए। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करते हैं तो फिर विकल्प क्या बचता है, फिर हो सकता है कि जो तेल के तेल निकालने वाले जगह हैं उनको टारगेट किया जाए, यानी उसका एक इफेक्ट जियोपॉलिटिकल या कहें कि विश्व पर पड़ सकता है, जो तेल के दाम महंगे हो सकते हैं। यानी ईरान के टारगेट, ईरान में क्या क्या टारगेट हो सकता है इसराइल का, ये ज़रूर आप समझिए और बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये तय करेगा कि आगे स्थिति कैसी रहने वाली। अगर इसराइल ईरान पर टारगेट करेगा तो स्वाभाविक है कि ईरान भी पलटवार करेगा। अब इसमें देखिए दो तीन बातें हैं, अगर इसराइल ईरान पर टारगेट करता है तो फिर ईरान के साथ आपको दो बड़ी कंट्री हो सकता है आपको नज़र आए, चीन आपको नज़र आ सकता है, आपको रशिया नज़र आ सकता है, और जो परमाणु केंद्र हैं वो उनमें सपोर्ट फिर कर सकते हैं रशिया और चीन, और हो सकता है कि फिर से वो अपने आप को परमाणु शक्ति घोषित कर दे ईरान। ये बहुत सारी स्थितियां हैं जो भविष्य के दौर में गर्त में हैं कि चूंकि एक तरफ इसराइल लगातार तैयारी कर रहा है ईरान पर, और बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए प्रशांत, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमेशा अमेरिका सपोर्ट में रहता है, भले सामने खुलकर ना आए पर पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट रहता है, हमने ये देखा है हमेशा। क्या हम ये माने किसी तरह की तनातनी इसराइल और अमेरिका के बीच में, या कोई बातचीत इस मुद्दे को लेकर के, या अगला स्टेप क्या होगा इसको लेकर के? देखिए
तनातनी वाला शब्द मुझे लगता है कि शायद अमेरिका और इसराइल के बीच में कहना ठीक नहीं होगा। ज़्यादातर हथियार अमेरिका की तरफ से, बहुत सारे हथियार इसराइल को दिए जाते हैं, वो सबसे बड़ा सहयोगी है, सपोर्टर है अमेरिका इसराइल का। और हाँ, ऊपरी तौर पर जरूर नहीं, अगर ईरान के परमाणु को लेकर के अगर हम बात करें, परमाणु ठिकानों को लेकर, हाँ ठिकानों को लेकर के बात करें, तो इस पर कोई तनातनी चल रही हो या बातचीत चल रही हो? जी देखिए, ये कोशिश जरूर है अमेरिका की कि भाई ऐसे ठिकानों को निशाना ना बनाया जाए परमाणु ठिकानों को, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, रेडिएशन फैल सकता है बहुत बड़े एरिया में। चेर्नोबिल प्लांट का जिसका जिक्र हमने किया, वो एक उदाहरण है। इसलिए कोशिश है, हो सकता है कि शायद अभी तक, हालांकि इसराइल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया कि वो परमाणु ठिकानों को टारगेट करेगा ईरान के या नहीं करेगा, लेकिन ये हो सकता है कि शायद वो अपने टारगेट बदल दे ताकि इकोनॉमी या कहें कि आर्थिक नुकसान ईरान को हो, ये एक तरीका जरूर हो सकता है। हालांकि भविष्य में है, गर्त में है, हो सकता है इसराइल है, इसराइल के लिए कह भी सकते हैं आप, देखिए आप जब कैसे वो टारगेट करता है, उसने सीधा नसरल्लाह पर टारगेट किया, लेबनान में जाकर सीधा नसरल्लाह को 80 टन बम गिराकर खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं कि उसके जो ऑपरेशन अभी थम गए हैं या रुक गए, वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं लेबनान में। अब जमीनी स्तर पर इसराइल ऑपरेशन अभी भी चला रहा है और वो आगे भी जारी रहेंगे। उससे पहले, हिजबुल्ला से पहले हमास को जमींदोज किया इसराइल ने, लगभग हमास खत्म वाली, मृत वाली प्राय स्थिति में है, और जो शायद हमास के नेता भी बचे भी हैं, जो सुरंगें हैं उनमें वो दबे रहने या छुपे रहने की स्थिति में हैं। यानी अभी बहुत सारी चुनौतियां हमास के सामने भी हैं, हमास भी लगभग खत्म वाली स्थिति में, हिजबुल्ला हालांकि कहें हिजबुल्ला खत्म होने नहीं जा रहा है, कमजोर जरूर हो गया है, फिर नया नेता आ जाएगा, हो सकता है फिर नया उसके नए सुप्रीम लीडर को टारगेट करे इसराइल, अगर उसे खत्म करने की कामयाब हो जाता है इसराइल तो फिर नया नेता। जी अगर आप, हम फिर से वही ईरान वाले मुद्दे पर आए और जो यूटर्न फ्लाइट का लिया गया प्रशांत, तो जो ये फ्लाइट का यूटर्न हुआ है, चर्चा भी इसकी बहुत ज्यादा हो रही है, क्या लगता है आगे ईरान के ऐसे कौन से इलाके हो सकते हैं, शहर हो सकते हैं, जिन्हें सबसे पहले टारगेट पर इसराइल लेगा, और आखिर कितना नुकसान इन ठिकानों को भी पहुंचा सकता है, इन शहरों को पहुंचा सकता है? जी देखिए, ईरान स्वाभाविक है कि लगातार मदद करेगा, वो फिर कोशिश करेगा कि हिजबुल्ला मजबूत हो। दरअसल हिजबुल्ला एक टूल के तौर पे, ईरान का टूल के तौर पर काम कर रहा था इसराइल के खिलाफ, उसको मजबूत करने की कोशिश लगातार होगी। और वही स्थिति, हाँ हमास से स्थिति थोड़ी सी अलग थी हिजबुल्ला की, ये विशेष तौर से टूल था, लेकिन अब बात चूँकि इसराइल के हमलों की भी आप कर रहे हैं, तो इसराइल अगर टारगेट करता है तो ईरान के कई शहर हैं जहाँ पे हमले हो सकते हैं इसराइल के जरिए, में तबरीज भी है, तेहरान भी है, शहरौत भी है, बख्तारन भी है, खुर्रमबाद भी है, शिराज हैं, इस्तफान हैं, और होरमुजगंज शहर है। ये तमाम वो शहर हैं जो इकोनॉमिक तौर पर बड़े शहर माने जाते हैं ईरान के, और इनको टारगेट किया जा सकता है, और इसे आर्थिक तौर पर अगर हम कहें तो सीधे तौर पर नुकसान ईरान को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। इसराइल अगर हमला करेगा, ठीक है अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए ना कि ईरान के साथ भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक हो सकती हैं, जो ईरान आह्वान भी कर रहा है कि भाई मुस्लिम एक हो जाएं, मुस्लिम कंट्रीज साथ आएं, एक साथ आएं इसराइल के खिलाफ। दूसरी तरफ अरब कंट्रीज़ से वो लगातार अपील कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि सारी कंट्रीज़ ना आए साथ में ईरान के, लेकिन कुछ कंट्रीज़ तो साथ में खड़ी हो ही सकती हैं। दूसरा, चीन और रूस जैसी महाशक्तियां अगर ईरान के साथ आती हैं, तो आप देखिए जो विश्व है वो दो खेमों में बढ़ जाएगा, जब दो खेमों में बटेगा तो स्थिति और भयावह हो सकती है। अगर दोनों तरफ से हथियारों की सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है दोनों तरफ से, तो ये कहें कि उस ट्रैक पर भी जा सकता है, हम कहें कि विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति में भी जा सकता है। और अब जरूरी नहीं कि वर्ल्ड वॉर सीधे लड़े जाएं, अब जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी होती है, पहले एक दूसरे की इकोनॉमी ध्वस्त की जाती है, इकोनॉमी को टारगेट किया जाता है, उसके बाद ऐसे हालात फिर एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लाते हैं। जो तनातनी की प्रशांत स्थिति बनी हुई है, और जिस तरह से ईरान पे हमले कर रहा है, क्या लगता है कि जिस तरह से इसराइल पे उसने हमला किया, इससे क्या हमें देखने को मिलेगा? क्या वाकई में ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी? हालांकि इस बात से नकारा नहीं जा सकता क्योंकि चौतरफा इसराइल घिरा हुआ है, कोई भी बड़ा अटैक कर सकता है, पर फिर भी ईरान ने ये हिमाकत की है, तो आखिर इसे भी कैसे देखा जाए जो लगातार हिमाकत ईरान कर भी रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल बात वही है कि चूंकि हिजबुल्ला लगातार कमज़ोर हो रहा था, और ये दिखाना था कि भाई वो कमज़ोर नहीं, ईरान
डरता नहीं, किसी से कमजोर नहीं है, ये दिखाने की कोशिश थी इस हमले के जरिए। और वो भी ये भी कह रहा है कि अगर आप इसका जवाब देते हैं तो हम दोबारा हमला करेंगे। ईरान डर नहीं रहा है, दब नहीं रहा है, ईरान जवाब दे रहा है। लेकिन आप समझिए वही स्थिति इसराइल की भी है। इसराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है, लेकिन अगर वो दबता है, डरता है, तो शायद वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए भी ये अटैकिंग वाला मोड जरूरी है, आवश्यक है, और वो भी अपने उस मोड में है। दूसरी तरफ ईरान भी उसी मोड में, ईरान लगातार फिलिस्तीनियों की वकालत करता है, हमास की वकालत करता है, फिलिस्तीन को आज़ादी की वकालत करता है। दूसरी तरफ अब देखना ज़रूर होगा कि आखिर इस स्थिति में कौन कौन सी कंट्री कौन कहाँ किस जगह किसके साथ खड़ी होती है। युद्ध के खिलाफ हमेशा, मतलब युद्ध के फेवर में कभी भी भारत नहीं रहा और हमेशा इसके खिलाफ ही रहा है। कई बार अलग अलग नेताओं से बातचीत भी उनकी हुई है कि इसे विराम दिया जाए, पर पहल तो देखिए अच्छी है, की जा सकती है। आज खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया है, आखिर उसके क्या मायने हैं? देखिए, इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, जो भारत है वो हमेशा से युद्ध के खिलाफ रहा है। और एस जयशंकर ने साफ कहा है, ये लाइन भी दी है कि भाई मिडिल ईस्ट में संभावनाएं नहीं, ये लोग कुछ देश ऐसे मौके के तौर पर भी देख रहे हैं जो स्थिति है, बल्कि ये गंभीर समस्या बनती हुई नजर आ रही है। ये तेल की समस्या खड़ी करेगी, जो अदर कंट्रीज़ हैं जहां पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होते हैं उन देशों के लिए समस्याएं हो जाएंगी, पेट्रोलियम पदार्थ महंगा हो जाएगा। और जब पेट्रोलियम पदार्थ महंगा होता है, उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो इकोनॉमी पर होता है, इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, प्राइसिंग बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। भारत का स्पष्ट रुख है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, आपको याद होगा, इसराइली पीएम से बात की थी, उन्होंने कहा था कि संप्रभुता बिल्कुल ठीक है लेकिन भारत हमेशा शांति का पक्षधर है। हाँ, बातचीत के जरिए अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालिए। अब अगर हम बात करें, इसराइल ने हमास और हिजबुल्ला को जैसे भारी नुकसान पहुंचाया है, अब आखिर आगे क्या लगता है स्थिति को देखते हुए? आगे देखिए, जो तस्वीर है, कम से कम जो हमास वाली स्थिति है, जो वर्तमान में जो अभियान चल रहे हैं इसराइल के, लगता वही है कि हिजबुल्ला की भी वही स्थिति करने की कोशिश वही है इसराइल की, और लगभग हो सकता है कि उस स्थिति में पहुंच भी जाए। लेकिन चूंकि अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बड़ी कंट्रीज़ का इसमें हो गया, तो हो सकता है कि स्थितियां फिर बदलें। और अभी बहुत ज़्यादा कोई प्रेडिक्शन करना, ऋतु अभी इतना आसान नहीं होगा प्रेडिक्शन करना कि भाई आगे क्या होगा, चूंकि लगातार कंडीशंस बदल रही हैं, सिचुएशन बदल रही हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया था। अमेरिका ने भी उस समय कहा था जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, कि अमेरिका ने भी अपने फोर्स को ये कहा था कि भाई जो मिसाइल आ रही हैं उन्हें बीच में डिस्ट्रॉय करे। पर ऐसा भी प्रशांत चल रहा है कि कई बातों पर बात नहीं बन पा रही है इसराइल और अमेरिका की, शायद बाइडन और वहाँ पर बातचीत वैसी नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए, कई बातों को दरकिनार भी इसराइल के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? ये दिखाने के लिए अलग होता है, आप समझिएगा, दिखाने के लिए अलग होता है लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। अमेरिका इसराइल के अपोज में कभी जा ही नहीं सकता है। इसराइल या कहें यहूदी अमेरिका में जितने बड़े पोजीशन पे, बहुत सारे बड़े जो अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च केंद्र हैं, उनमें बड़े बड़े पोजीशन पर बड़े बड़े साइंटिस्ट यहूदी हैं, तो प्रेशर होता है अमेरिका के ऊपर इसराइल के साथ खड़े होने का। ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि अमेरिका सबसे बड़ा सहयोगी है, सबसे बड़ा साथी है इसराइल का, सबसे बड़ा साथी है, पर खुल करके हमने ये देखा है। देखिए, सपोर्ट तो पूरा आई है, पूरी दुनिया देख रही है, पर वो जो खुल करके सामने खुल करके हैं ही, पर फिर भी स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ें जो है बाइडन की तरफ से नहीं कही जा रही। मैं पढ़ रही थी कि ट्रंप की तरफ से भी बयान आया था, वो कह रहे हैं कि ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करे इसराइल जल्द से जल्द, और मतलब वहाँ पे बम गिराओ, बाकी बाद में सोचेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ये ट्रंप भी ऐसा कह रहे हैं, दो अलग अलग तरह के बयान, दो अलग अलग तरह के तर्क। जी देखिए, दरअसल अब सियासत, अब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी हैं, तो उस नज़रिए से भी सियासत अपने स्तर पर बैठेगी। बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो अमेरिका में जो चाहते हैं इसराइल के साथ आप खड़े दिखें भी, नज़र भी आएँ। अब बाइडन चूंकि अब चुनावी मैदान में भी नहीं हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप का आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में भी हैं, तो उन्हें जनता को भी आकर्षित करना है, अमेरिका की जनता को के वोट भी उन्हें लेने हैं, अब समर्थन भी उन्हें चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे बयान उनकी तरफ से आएंगे।
ठीक, आज के लिए तो हमारे इस खास डिस्कशन में इतना ही। अलग ही देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बमबारियां हो रही हैं और परमाणु ठिकानों पर लगातार हमला करने के लिए इसराइल तत्पर है, तैयार है कि कैसे वो ठिकानों को ध्वस्त किया जाए, खत्म किया जाए। आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।